अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। दोस्तों नमस्कार, टीवी वन इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 3 महीने से ज़्यादा वक्त हो गए हैं, लॉकडाउन चल रहा है। ऐसे में एजुकेशन सिस्टम देखा तो पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है। जून में जैसा स्कूल शुरू हो जाते थे, बच्चे पढ़ने के लिए चले जाते थे, लेकिन हालात इस तरह के हैं कि लॉकडाउन के कारण बच्चों को घर पे ही रहना पड़ रहा है। मार्च से लेकर जून तक जो पढ़ाई होनी थी, जो एग्ज़ाम्स होने थे, उसमें भी बड़ी बाधा आ गई। तो बच्चों को इस वक्त जो है ऑनलाइन पढ़ाई करने की मजबूरी है। हालांकि सरकार कह रही है कि यही एक रास्ता है बच्चों को पढ़ाने का, लेकिन इसकी खामियाँ जो हैं वो अब सामने आने लगी हैं। मेरे साथ इस वक्त नवी मुंबई के पूर्व महापौर सुधाकर सोनावने साहब मौजूद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो इस वक्त ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है, ये कितना प्रभावी है, इसमें इससे क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं। ये सवाल इनसे पूछना इसलिए भी लाजमी हो गया क्योंकि आप नवी मुंबई महानगर पालिका में एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन आप रह चुके हैं। आप यहाँ पर अम्बेडकर नगर में एक ऐसा विद्यालय आपने स्थापित किया है जो पूरे इंडिया के लिए रोल मॉडल बना है, तो जाहिर सी बात है कि एजुकेशन को आप बेहतर ढंग से समझते हैं, उसके हालात को, उसकी परिस्थितियों को और जो टेक्निकल खामियां हैं उसको भी आप अच्छी तरह से समझते हैं। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल आपसे यही जानना चाहेंगे कि जब लॉकडाउन हुआ है तो अगर आप देखेंगे कि मार्च से लेकर जो मई तक एग्ज़ाम्स होते थे वो सारे रद्द हो गए हैं, बच्चे घर पर हैं, एक तरह से नज़रबंद हैं, उनकी मानसिक स्थिति भी इस तरह की हो गई है कि अब पढ़ाई होगी कि नहीं होगी। सरकार ने इसके लिए कुछ ऑनलाइन एजुकेशन का इंतजाम भी कर दिया है, तमाम स्कूल्स जो अपने बच्चों को, अपने छात्रों को पढ़ाने की शुरुआत भी कर दी है, लेकिन इस परिदृश्य को आप अपने नज़रिए से किस तरह से देखते हैं, बतौर एक्सपर्ट? मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ा एजुकेशन का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जिस बस्ती में रहता हूँ, जिस एरिया में रहता हूँ, उस हालात का एक्सपर्ट मैं ज़रूर हूँ, क्योंकि मैंने कई चिट्ठियाँ मुख्यमंत्री जी को लिखी, कई चिट्ठियाँ यहाँ पर आयुक्त को लिखी और बार बार मैंने ये दोहराया कि यहाँ की जो लोकेलिटी है, उस लोकेलिटी में जिस प्रकार लोग रह रहे हैं उनको किस प्रकार की कठिनाइयाँ आ रही है, वो कठिनाइयाँ सरकार के सामने रखने का काम मैंने किया। उसमें सरकार ने लोगों को घर जाने के लिए, अपनी निजी कार यूज़ करने के लिए कुछ समय दिया, कुछ लोग यहाँ से चले गए, बस्ती थोड़ी खाली हो गई। इससे निश्चित रूप से जो यहाँ के मूल रहवासी है उनको थोड़ा तो मतलब उससे राहत मिली है, लेकिन जैसे कि आपने पूछा कि शिक्षा व्यवस्था जो है, शिक्षा व्यवस्था जीवन में सर्वोच्च स्थान ग्रहण करती है, यानी जो शिक्षित है वो किसी भी जात, किसी भी धर्म का हो, वो निश्चित रूप से ज्ञानी पंडित हो सकता है। और ज्ञान का पंडित अगर आपको बनना है, अज्ञान से अगर बाहर आना है, तो आपको शिक्षा के सिवा दूसरा कोई भी मार्ग नहीं है। लेकिन आज मैं देखता हूँ जिस प्रकार की साजिश, मैं इसे साजिश कहूँगा, क्योंकि ये जो गरीब है, कई जाति, कई धर्म, कई भाषा के लोग ऐसे कामगारों के बस्ती में रहते हैं। हम देखते हैं कि जिनको 1-1 लाख रुपए पगार है, उन शिक्षकों को आप हफ्ता में एक बार बुलाते हो या महीना में एक बार साइन करने के लिए बुलाते हो, लेकिन रोड पे झाड़ू मारने वाले को आप डेली बुलाते हो, वहाँ गार्डन में काम करने वाले को डेली बुलाते हो। तो ये जो लोग हैं, सरकार एक तरफ बोलती है कि लॉकडाउन है, इनके लिए लॉकडाउन नहीं, इनमें से कोई मर नहीं रहा है, लेकिन आज जो बच्चा स्कूल में अगर आएगा वो तो भूखा मर रहा है वहाँ पर, उसको ना कपड़ा है, ना कापी है, ना किताब है। सरकार ने 15 तारीख को स्कूलें चालू की और लोगों को किताबें बांटी, अरे वो किताब लेके क्या करेगा, शिक्षक तो ऑनलाइन है। यस, वो क्या किताब में ऑनलाइन आएगा, नहीं आएगा। इसके लिए भी मैंने आयुक्त को चिट्ठी लिखी है और उनसे कहा कि भाई आप पहली से 8वीं तक के जब बच्चे हैं, सप्ताह में एक बार पहली के बच्चों को बुलाइए और 6-6 बच्चे एक शिक्षक को दीजिए, वो पूरे सप्ताह का उसके पास लिखेगा, होमवर्क देगा, आप बच्चे को क्या सेफ डिस्टेंस है, वो क्या स्वच्छता है, क्या कोरोना है, इसके बारे में समझाएगा। वो बच्चा दूध बन के आपके घर में जाएगा, जैसे हमने स्वच्छता दूध बनाए थे, उस प्रकार से वो बस्ती में जाएगा, अपने माता पिता को समझाएगा, अपने पड़ोस को समझाएगा, तो ये कोरोना ऐसे भी निकल जाएगा। लेकिन यहाँ जिस प्रकार का प्रोटोकॉल बताया जाता है, हर आदमी, मैंने तो ये देखा है कि जितने मेरे वार्ड के लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, वो सारे के सारे वहाँ जाके
चार दिन में, पांच दिन में, छह दिन में, सात दिन में ठीक हो गए, वापस आ गए। अगर कोरोना की कोई दवाई नहीं तो ये सारे ठीक क्यों हो रहे? और जितने लोग मेरे वार्ड के मर गए उनको मरने के बाद घोषित किया कि ये आपके कोरोना से मरे हुए हैं। तो ये जो भी खिलवाड़ है, ये शाब्दिक खिलवाड़ है, इसको कहीं ना कहीं ब्रेक लगना चाहिए। और जो हकीकत है, हकीकत का सामना करने के लिए सरकार को ये जो ब्यूरोक्रेट्स है इनके ऊपर ज़्यादा निर्भर ना होते हुए जो आम जनता है उनके साथ सीधा डायलॉग करके उनको जिस प्रकार आज सरकार को सरकार चलाने के लिए पगार देने के लिए पैसा नहीं है तो कंपनी वालों को उन्होंने बोल दिया कि आप आपके जिम्मेवारी पे कंपनी चालू करो, कंपनियां चल रही है, सरकार को जीएसटी के माध्यम से वहां पर सेस मिल रहा है, लेकिन वो कंपनियां चला सकते हैं, फिर ये बच्चे मुझे बताइए स्कूल में क्यों नहीं आ सकते? यस, आप अगर उनको घर में ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हो तो मैं ये कहता हूँ कि सप्ताह में एक बार उन बच्चों को बुलाओ और शिक्षकों को रोज़ बुलाओ, क्योंकि उसको हम पगार देते हैं, और शिक्षकों को आप सप्ताह में महीना में एक दिन बुलाओगे तो नहीं चलेगा। Yes. तो ये है, कैसे सुधीर जी आपने जो सवाल किया है, ये सवाल इस साल में कई ऐसे बच्चे हैं जो स्कूली सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि आज उनके हालात ऐसे हैं, ना बाप के पास नौकरी है, ना माँ के पास नौकरी है, ये बच्चा कहीं ना कहीं या तो चोरी करेगा, या तो भंगार चुनने के लिए जाएगा, या तो कहीं ना कहीं रोजी रोटी का बंदोबस्त करने के लिए जाएगा। तो सरकार बच्चों को ऑनलाइन नहीं कर रही है, ये शिक्षा क्षेत्र से ऑफलाइन कर रही है, यानी बाहर करने का काम कर रही है। तो मुझे इतना ही आपको आपके माध्यम से सरकार को कहना है, लोगों को कहना है कि भाई आपने जैसे देखा कि हमने बार बार विनती की कि ट्रेन चालू करो और जो यहाँ परदेशी फंसे हुए हैं उनको वहाँ भेजो, लेकिन सरकार ने वो काम नहीं किया। जब जितने गरीब थे वो सारे गरीब चलते हुए उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश पहुंचे, लेकिन जिनके पास पैसा था वो ट्रक करके चला गया, जिनके पास पैसा था वो निजी गाड़ी चल के लेके गया, जिसके पास पैसा था वो रिक्शा करके चला गया। तो मुझे बताइए, जिसके पास पैसा है वो ऑनलाइन पढ़ाई करेगा, जिसके पास पैसा नहीं है आपकी किताब लेके वो घर में क्या करेगा? उसके ऊपर लिम्बी मुर्चे डालेगा, क्या करेगा? मुझे बताइए ना, वो मास्टर ही नहीं उसको पढ़ाने के लिए, मास्टर उसके घर नहीं जाएगा पढ़ाने के लिए।